दोस्तों, इस श्रृंखला की हर कड़ी वास्तविक चरित्रों और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इनमें ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ किया कि उदाहरण बन गए। हमने उन वास्तविक चरित्रों के साथ साथ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को ड्रामा के रूप में पेश किया है। नमस्ते, मेरा नाम है सौ सरस्वती निवृत्ति नागुराव कांबळे, ये हमारे पति। नमस्ते, निवृत्ति नागुराव कांबळे, ये हमारे पति की दूसरी पत्नी सुंदरबाई निवृत्ति कांबळे। नमस्ते। तो हम जो आज का खाना दो टाइम खा रहे हैं तो हमारे मेहनत का फल है। कई टाइम में हमको एक बार खाना नहीं मिलता था। कोई बात नहीं सुंदर, हम तीनों बांट कर खा लेंगे। क्या बात है, बहुत थक गए हो क्या? उठो, उठ कर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। क्या कहा, भूख नहीं है? तुम भूखे रहो और हम खा लें, ऐसा कभी हुआ है क्या? सरस्वती, समझा करो। मैंने पाटिल के खेत में खाया था आज दिन में, तुम लोगों ने वैसे भी कल शाम से कुछ नहीं खाया। सुंदर, हाँ। खाने को दो थाली में करके तुम लोग खा लो। दीदी सुनो जी, तुम नहीं खाओगे तो हम दोनों के गले से उतरेगा क्या? तुमने तो कल काम पर भी जाना है। उठो, उठकर खाना खा लो। पाटिल के खेत का भी काम खत्म हो गया आज। क्या कहा, काम खत्म हो गया? तो फिर कैसे चलेगा? कोई उधार भी देगा तो कितने दिन, और फिर जब काम नहीं होगा तो हम लौटाएंगे कहां से? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। मैं सोचता हूँ शहर चला जाऊं। नहीं, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी अकेले। कहाँ रहोगे, क्या खाओगे और कौन करेगा तुम्हारी देखभाल वहाँ? ओहो सरस्वती, और लोग भी तो जाते हैं शहरों में काम करने के लिए। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। यही सोच सोच कर अब तक टालता रहा, लेकिन अब तो कोई भी उपाय नहीं बचा है। हम लोग कोई छोटा मोटा धंधा नहीं कर सकते क्या? लो सुन लो,
धंधा करने के लिए रुपए की जरूरत होती है, खाली हाथ कुछ नहीं होता जी। कहीं से थोड़े से रुपए मिल जाते तो कहाँ से आएंगे? इस मकान को छोड़कर मेरे बाप का कोई खेत भी नहीं जिसे गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार ले लूं। मेरे पास कुछ गहने गए, इसे बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। नहीं सुंदर, ऐसी बात फिर मत करना। लोगों को कहने दो दीदी, मैं जानती हूँ कि ये गहने कपड़े आपके दिए हुए थे, और फिर सोने गहने होते ही हैं मुसीबत में काम आने के लिए। सरस्वती, सुंदर ठीक कहती है, पेट में अगर अन्न नहीं होगा तो गहने किस काम आएंगे? धंधा अगर जम गया तो गहने तो और भी आ जाएंगे। आप ठीक बोलते हैं जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दीदी आप भी खा लीजिए, मैं खाना दो थाली में कर देती हूँ। दीदी हम खेत में जाते थे काम करने के लिए, तो लोग का वो रोटी छोड़कर काम खाते बैठे, हम मुंह पर देखना नहीं बोल के हम घर में आए, और घर में आने के बाद हम सोच लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो हम सोच लिए मोजा बेचना फोन, तो अपना धंधा कुछ भी बढ़ जाएगा। उसके लिए हम रोज दोनों जाते थे मोजा बेचने के लिए, और फिर से वाव सुंदर भाई को भी हम बोले कि आप दोनों बेच रहे हैं, आप तुम भी साथ में चलो, और साथ में जाके तीनों जन हम मोजा बेचते बेचते। छह केले लिए हैं और 5 का नोट दिया है, कितने लौट आने होंगे? ओफो सरस्वती, इतना भी नहीं समझ सकती? अरे 12 का 4 रुपया, तो 6 का कितना हुआ? 2 रुपया, 2। अच्छा अच्छा, अरे ये नहीं, ये रखो, ये दो। तांबड़ सांगवी से अमितपुर आते थे, अमितपुर आने जाने के लिए दूर लगता था हमको, दिन भर घूम घूम के आते थे, और हम जाकर मंदिर में भी सोते थे। गांव दूर आने जाने के लिए दूर लगता था, तो थके हुए थे हम, वहाँ मंदिर पे सो जाते थे, और मंदिर पे सोते सोते सुबह को उठ कर वहाँ हम मोजा के टोकरा भर के और गाँव को जाना ऐसा शुरू करते थे हम। अभी ज़्यादा ही लेकर आए, आज तो पैसे भी अच्छे बने हैं। हाँ इसीलिए तो, कल माल भी ज्यादा लेना होगा। चलो जल्दी बिछाओ, सारा बदन दर्द कर रहा है, थक गए आज। सुंदर भाई। हाँ क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? आप भी तो नहीं सोए दीदी, तुम भी क्या सोचती होगी कि कहाँ फंस गई, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए? नहीं दीदी, आप भी क्या क्या सोचती हैं। सुंदर। हाउ? कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, कहीं और शादी हो जाती तो कम से कम सुख से तो रहती। नको दीदी, हम गरीब लोगों की तकदीर में सुख कहाँ, कहीं भी रहती खटना कमाना तो पड़ता ही। फिर भी मर्द का सुख तो मिलता ही, इस तरह मंदिर में। नहीं दीदी ऐसा मत बोलो, आपने भी तो अपना मर्द बांटा है मुझसे, और फिर मैं तो सोचती हूँ
कि आपके साथ अन्याय हुआ है। नको सुंदर, इन्हें दूसरी शादी के लिए मैंने ही राजी किया था। 2 साल तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ तो कुटुंब के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। दीदी, बच्चा तो मैं भी नहीं दे सकी इन्हें। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? जी नहीं, सो गई थी, अभी अभी नींद खुला है। सरस्वती, मैं सोच रहा हूँ जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े हैं उससे कोई नया धंधा शुरू करें। गांव गांव घूमना और मंदिर में रात बिताना, अब थकान सी होने लगी है जिंदगी से। तो फिर क्या करोगे? बाजार में जगह मिल जाती तो सब्जी भाजी की ही दुकान लगा लेते, रहने के लिए कमरा देख लेते, किराए पर मिल जाता है। तो फिर देखो ना कोई जगह। हाँ, सब्जी भाजी बेचना चालू कर दिए और ये किराए से कमरा भी ले लिए, तो उसके अंदर बच्चे हो गए। सरस्वती, इतने साल हो गए तुम्हें दुकानदारी करते हुए, आज तक हिसाब किताब करना नहीं है क्या बाबा? मुझे तो लगता है तुम्हें दुकान में अकेले छोड़ना ही मुश्किल है, लोग ठग लेते होंगे तुम्हें। अजी छोड़ो जी, तुम तो मुझे एकदम मूर्ख समझते हो। सुनो, मुझे तामर सांगवी जाना होगा, रात हो गई तो वहीं ठहर जाऊंगा, वैसे भी कल सुबह दोबारा जाना तो होगा ही, और सोचता हूँ प्याज उखाड़ने का काम भी कल से ही शुरू करा दूं, 3-4 दिन तो लग ही जाएगा। 4 बार फोन आ चुका है महाजन का हैदराबाद से, कहता है प्याज का मांग बढ़ रहा है, ट्रक भी तो ठीक करना होगा। सुनो जी, जाते हुए सुंदर बाई से बोलना कि बच्चे को लेकर दुकान पर आ जाए, बहुत देर से उसे दूध नहीं पिलाया। हाँ बोल दूंगा, तुम जरा दुकान का ख्याल रखना, पैसा ढीला संभाल कर रखना। और सुनो, सुंदर बाई से बोलना कि मनीषा के लिए खाना ढक कर रखते, स्कूल से आके अपने आप खा लेगी। अपने से खाई है कभी, जो आप खा लेगी? अरे सुंदर बाई के हाथ के निवाले के अलावा उसके गले के नीचे कुछ उतरता ही नहीं। वैसे फिर मैं बोल दूंगा, तुम जरा दुकान का ध्यान रखना। ऐसा मेरे पास 4-5 हजार रुपए भांडवल जम गए, फिर 4-5 हजार रुपए भांडवल जमे बाद वो खेड़े पाड़े में प्याज लगाते जंगला, वो जंगल जाके 5 हजार रुपए में जंगल ले लिए। वो पत्ते वो मजूरा लगा के प्याज काट के गाड़ी भर के हैदराबाद चले गया। वो 5 हजार की प्याज हैदराबाद को लेकर गया तो वहां से 50 हजार रुपए आए। क्या सरस्वती भाई, कैसा चल रहा है धंधा? सुना नागुराव ने प्याज के धंधे में बहुत कम आया, कहाँ है आजकल, दिखता ही नहीं। हैदराबाद गए हैं कभी प्याज उखाड़ने में तो कभी ट्रक जुटाने में व्यस्त रहे। इस महीने के 30 तारीख को तुम्हारा प्रीमियम भी पूरा होने वाला है, फिर कभी भी रुपया ले जा सकती हो तुम। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। सरस्वती भाई, अपना नाम और पता लिखने क्यों नहीं सीख लेती, कब तक अंगूठा लगाती रहोगी? बारी बारी से दुकान में बैठते थे हम तीनों जने, एक दिन उनो एक दिन मैं, वैसे बारी बारी से चलता था हमारा। तो कमरे में एक हमारे को बच्चे भी हो गए, तो बच्चे होने लगे तो एक बड़ी बच्ची हमारी पहले बच्ची हो गई,
फिर से ऐसे ऐसे करते करते हमको चार बच्चे, चार लड़के और एक लड़का हो गए, और सुंदर भाई को भी दो लड़के और दो लड़के हो गए। इन ट्रक वालों के भी भाव बढ़े हुए, कोई सीधे मुझसे बात नहीं करता। अब क्या हुआ? होना क्या है, कहते हैं सोमवार से पहले माल लोड नहीं होगा। तो दूसरा ट्रक देख लो ना। कहां से ले लूं, एक भी ट्रक खाली नहीं है। तो इसका मतलब आज भी जाना नहीं होगा? बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? बगल के घर में टीवी देखने गए हैं। सुनो जी, प्याज बेचकर पैसे जो आए उससे थोड़े से खेत देख लो ना। अपना खेत हो तो उसमें खेती करने का सुख ही और है। सुंदर, तुम भी सरस्वती की तरह सपने देखने लगी हो। अरे हम दलितों की किस्मत में ये सब कहाँ, और पैसे अगर आएंगे तो हमारा परिवार भी तो बढ़ रहा है। सुंदर, हाँ देखो तो ये साड़ी कैसी है। ये कहाँ से लाई दीदी, आपने दी क्या? नहीं तो, मैं तो गांव से आ रहा हूँ। ये साड़ी मैंने खरीदी है, दुकान से आ रही थी तो रास्ते में एक फेरी वाला मिल गया, उसके पास साड़ियाँ देखने लगी तो ये साड़ी पसंद आ गई। ज्यादा महंगी नहीं है, खाली 20-20 के तीन नोट दिए हैं। क्या 60 रुपए, इस साड़ी के 60 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी मर्तबा तुम्हें कहा कि अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत किया करो, हिसाब किताब करना नहीं आता तो खरीदारी क्यों करती हो तुम? अब छोड़िए भी, एक तो पहली बार दीदी अपनी पसंद की कोई साड़ी लाई है, ऊपर से आपने 20 से रुला दिया। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है दीदी। सुंदर, हाँ ये साड़ी तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, तुम्हारी शादी की कल सालगिरह है ना दीदी। हम लोग वहां से किराए का घर छोड़कर इंदिरा निवास में आकर हमको ये घर मिला है इंदिरा नगर में। तो इंदिरा नगर में घर मिला जब हमारी बच्ची और लड़की है मनीषा, वो 7वीं में पढ़ने चलती थी, पढ़ने को जाती थी, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया साक्षरता अभियान के लिए सिखाना, वो औरता को हमको लेके बैठना वो सिखाना चालू कर दिए, तो मैं भी उसके अंदर पढ़ना लिखना शुरू कर दिए। सरस्वती भाई, अपना नाम और पता लिखने क्यों नहीं सीख लेती है? कब तक अंगूठा लगाती रहोगी? मनीषा, मनीषा बेटी। आई, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। बेटी तुम मुझे कुछ लिखना पढ़ना सिखा सकती हो? आई, जानती हो टीचर ने मुझे बस्ती की औरतों को पढ़ाने के लिए कहा है, और ये किताबें भी दे दी है, मैं तो चाहती हूँ तुम भी पढ़ लो। देखो मैं रात के क्लासेस भी करती हूँ जो बूढ़े आदमियों के लिए होते हैं, शाम को जब भी फुर्सत मिल जाती तो मैं गली में के बूढ़े उनको लेकर थोड़ा पढ़ाया करती थी। ओ अन अन साच, ओ आई च, तीन चार, बस्ती की दूसरी औरतें मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी, तब हमारी दोनों माँ यानी छोटी और बड़ी माँ दोनों भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आती थी, तब न जाने क्यों हमारी छोटी माँ है जो वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी जितनी हमारी बड़ी माँ है ना, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी ना तभी वो पेंसिल और जो पाटी होती है ना लेकर बैठ जाती थी। रफ्ता रफ्ता यूं ही
उनको मालूम होगा कि ये साक्षरता अभियान के अंदर पढ़ना लिखना सीखने के बाद कुछ तो फायदा है और गैर फायदा है, तो हमको फायदा मिलने वाला है ये साक्षरता अभियान में पढ़ने लिखने से मुझे फायदा मिलने वाला है उसमें। तो शुरू कर दिए हम राशन दुकान के, हमारे फार्म कलेक्टर के पास भी चले गए, हम कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर को मुलाकात भी नहीं हो गए तो भी हमारे घर चलकर ऑर्डर आए और हम राशन दुकान चलाना शुरू कर दिए। अच्छी बात करते थे और डरते नहीं थे किसी से, हम तहसीलदार को जाकर अंदर जाके बात जोर से करते थे। उसके लिए लोगों ने मुझे ये स्वस्थानी दुकान का संगठने का अध्यक्ष भी बनाए हैं मुझे। सुन लो मेरे चकलो चकलो, मेरे सुन लो मेरे चकलो चकलो। सरस्वती भाई बाहर में जाते, सब बच्चे कच्चे के घर में ये करते, बच्चे सब सता रहे, बच्चे सता रहते तो बच्चे के सब खाना पीना सब नहाना धोना सब बच्चों को भी करना। ये बोलते सरस्वती भाई को, तुम जाओ नहाओ धो तो खाओ, तुम जाओ जाओ ऑफिस के, जाओ घर में सब बैठे के क्या खाने का, जाओ बोलते। हम बच्चे के सब ये करते, सब बच्चे को मेरे दिल में भी प्यार है, सब इतने धोने के बच्चे हैं तब धोने के नहीं बोलते, सब मेरे के बच्चे हैं बोलते, मेरे को इतने बच्चे हैं तब मेरे से है बोलते, इतने बच्चे हैं तब मेरे अच्छे लगते हैं, मेरे को मोहब्बत करते, इतने बच्चे हैं सब छोटे आमी बच्चे करते, एक बच्चा बोलता नहीं मेरे तो बड़े आमी किधर गया नहीं बोलते। दिन के बाद नगर पालिका का चुनाव भी आया है तो उसके अंदर हमारा नगर पालिका का वो वार्ड क्रमांक एक जो है तो राखी महिला राखी हो गया। महिला राखी होने के बाद मैं खड़े रह के 12 वोट से मैं पहले बार गिर गई हूँ। दीदी चाय। चाय चाय पी ले दीदी, ठंडी हो जाएगी। मैं पहले ही बोलती थी कि ये सब काम हम लोगों के बस का नहीं, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब देखो दीदी की हालत देखो, कल से कुछ खाया भी नहीं, कहते थे वारंट कमिश्नर बन जाएगी, अब देखो कैसी हंसी हो रही है। क्या हंसी हो रही है? अरे चुनाव में हार जीत तो लगा ही रहता है। सरस्वती चाय पी। केवल 12 मतों की ही तो बात थी, फिर ये सोचो जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया है वो तो तुम्हें मानते ही है ना? मैं तो कहता हूँ अगले इलेक्शन की तैयारी भी अभी से शुरू कर दो, लोगों का काम करोगी उनकी सेवा करोगी तो वो फिर से वोट देंगे। का है अरे अरे क्या सरस्वती दीदी गिर गए थे, फिर भी मैं लोका के काम आज जो निराधार ऑफिस का रहता पेंशन रहता वो गरीब के कौन सा काम कौन सा नहीं होता, तो तहसील ऑफिस में जाना, तहसील ऑफिस में जाके उसके काम के जो अड़चन आई वाली है तो सब मैं छोड़ के उसका सब काम करने लगे, तो फिर से भी मुझे लोका बोलने लगे कि भाई अब बहुत से कुछ अच्छा काम करने लगे, गिर गए तो भी बहुत अच्छा काम करे तो फिर से हम अगला वोट आएंगे जब हम भाई को खड़ा करके चुन कर देंगे। तो बाद में वो नगर पालिका का चुनाव भी आया, फिर मैं चुन कर आ गई ये नगर पालिका के चुनाव में, फिर से मैं चुन कर आई हूँ। अभियान का शिक्षण निकले वाला उसको इतना फल अच्छा मीठा मिले वाला है और उसे उसको इतने जे कामा जे मिले तो वो शिक्षण से बड़ा फल मिले वाला।
तुमने दिखाए, खुलने लगी है आज फिर बंद गली की खिड़कियां, बंद गली की खिड़कियां।